ये जो आखिरी दिन का व्लॉग होता है ना, बनाने में इतना ज्यादा दुख होता है, बिकॉज जब आप बाहर निकलते हो ना, आप सोचते हो क्या मैंने ये व्यू चार दिन अच्छे से देखा, एंड अब हमें लगता है कि हमने अच्छे से नहीं देखा, बट देन मैंने फुल एंजॉय करा, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था बाहर आके। दो हम मॉल रोड और टेम्पल वगैरह नहीं गए, बट देन एक गुड़गांव से बाहर निकल के किसी डिफरेंट सिटी में आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड भाई व्लॉग तो मैं स्टार्ट करा, तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। एंड भाई आज है हमारा लास्ट डे इन मनाली, एंड हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू हो रखा है, मैं अपनी शक्ल दिखा के व्यू खराब नहीं करना चाहता, सब कुछ व्यू हो रखा है। एंड मेरा बस चले ना, मैं यहाँ पे बैठ के 10-10 मिनट लंबे व्लॉग्स बनाऊं और बस अपनी दिल की बातें करूं आप लोगों के साथ। देन ओवरऑल द स्टे वाज वेरी गुड। अभी मम्मा पापा सारे तैयार हो गए, हम भी अपनी पैकिंग करेंगे, मैं ब्रेकफास्ट करके भी आया। लतिका शक्ल काम पे लग गई है, ये अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा मैं क्या क्या ऑर्डर करा, बट देन खाना वाज वेरी गुड। अनंत मैम है आज की ड्राइव मजेदार होने वाली, मुझे ना ऐसे लंबे लंबे नॉन स्टॉप ड्राइव करना इतना ज्यादा पसंद है। आज अप्रॉक्सिमेटली 14 आज की ड्राइव होगी गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग, देन भाई चलाएगा तो भाई 11 घंटे में पहुंचाएगा और जल्दी भी हो सकता है। सेफली चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। डैडी डरे ही नहीं, यार डर गया, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, सीरियसली बढ़ गई। मैंने कर्नल साहब को बुलाया था कि पर पैकिंग कर दो मेरी, मैं क्यों करूं तेरी पैकिंग, बढ़िया सी कर दो सारे। अच्छा वाह, कर दो यार, लास्ट डे यार। अच्छा जाके बहुत काम, सारी चीजें प्यार प्यार से, प्रिया मेरी एडिटिंग कर दे, पापा मेरी पैकिंग कर दो, उसमें मेरी कोई एडिटिंग नहीं करी, मैं खुद करता हूं। मैंने देखा था एक घंटा एडिटिंग करी, मैंने इंस्टाग्राम में एक रील इसने एडिट करी थी। योर रूम इज अ मेस, कल आप खा के गए हो, ये दोस्त नहीं होते जब के रूम में आते ऑर्डर कर जाते खा पी के चले जाते रूम ऐसे छोड़ देते। कल आपने भी खाया, कल डैडी कुछ हैवी खा नहीं सकते, डैडी ने कल दाल खाई बट भाई ने पूरा, भाई ने पूरा, फिर कहता मेरा पेट क्यों निकल रहा। कहाँ जा रहे हो? और रम्मी आए नहीं आ रहे, वो पीछे वाला घर खरीद दूं। एक सवाल है जो काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे, क्या चोरी या पापा से पूछ लूं क्या उठाया है मैंने। पापा सच सा बता दो, बर्थडे निकल गया और खाना मेरी कसम, यू नो व्हाट शी ट्राइड, खाना पता क्या किया, मतलब कोशिश कर चुके हैं, एक साबुन ले लिया, कल की बात है तो मैं नहाने के लिए गया, मुझे साबुन नहीं मिला। तो मैंने कहा नहाने का साबुन, अभी तो यही था, मैंने कहा सुबह तो यही था गया का, तो वो भी कहते, फिर मेरे को हेलो फोड़ो यार पता मेरे पास इतने भाई इन्फ्लुएंसर होने के बाद ना इतने सारे फ्री साबुन आते हैं आपको होटल के, से पता है ये अभी, ये नहीं सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात वे शी थ्रू इट ऑन मी, मैं कह नहाने तो दो साबुन, ये तो तुम्हारी मेहनत, ये तो सबकी मेहनत, ये तुम्हारी मेहनत, सबकी कमाई है। तो गाइस चेकआउट का टाइम हो गया, मेरी सारी पैकिंग हो गई है, मम्मी पापा की सारी पैकिंग हो गई है, तो बस अपना बिल देंगे। कर्नल साहब जाओ बिल दो भैया, ट्रिप किसका था, मम्मी का बर्थडे, का बर्थडे ट्रिप किसने स्पॉन्सर किया, बेटे ने, चलो हम देखे आते, मम्मी का नाम सुनते बेचारा चुप हो गया। बाहर आओ, गाड़ी चलानी मैंने, गाड़ी चलानी है। डैडी पिछली बार जाता टाइम आपने चलाई थी, ठीक है, नीचे जाता टाइम मजा आता है, जो ये कच्चे रास्ते में तूने मेरे को दे दी थी उसके बाद तूने गुड़गांव तक दी नहीं गाड़ी। डैडी तुम काम करो, अभी मैं जब तक मर्जी आएगी डैडी चलो यार प्लीज, कहाँ तक, जहाँ तक आप बोलोगे, जहाँ आपको मन करेगा आपको चलानी है चला लेना। कैमरे की कसम ये क्वालिटी खराब हो चुकी है, दूसरा थोड़ी खराब कर रहा है भाई। आप लोग की मुझे पता डिमांड है, कर्नल साहब गाड़ी चलाए, अभी फिलहाल मुझे चलानी, बिकॉज हमें ओल्ड मनाली भी जाना है एक बार, वहाँ से जर्मन बेकरी से कुछ सामान लेना, चॉकलेट चॉकलेट भी। काफी लोगों ने मुझे डीएम कर दिया कि भैया जर्मन बेकरी से सामान पैक करा के लेके जाना, तो इसलिए मैं सोचा हम थोड़ी चीजें पैक करेंगे। लतिका शक्ल क्या क्या चाहिए आपको? काफी बढ़िया बढ़िया चीजें लग रही है। लतिका शक्ल ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी अच्छा लग रहा है। ये मैडम पूरा दिन यहीं बैठ रहेगी, ऑर्डर करेगी नहीं, 13-14 घंटे का रास्ता है। We spent our days on the coast of something beautiful. तो भाई यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, गूगल मैप्स अभी यहाँ से हमारा घर दिखा रहा है, एग्जैक्टली 13 घंटे में तो अराइवल आ रहा है सुबह 1:41। एंड भाई पापा और मैं डिस्कस करते हैं, कर्नल साहब ने फाइनली गाड़ी का कमांड अपने हाथ में ले लिया, कमांड नहीं है हाईजैक कर लिया, बिकॉज रास्ते में क्या हुआ, जब हमें जर्मन बेकरी जाना था तो मैंने उतर के व्लॉग भी करना था, प्लान मेरा और मम्मी का था, ये प्लान कामयाब, मैंने ना बोला, मम्मी को बोला था, मैंने कहा वो मेरे को बोलेगा और तुम प्रेशर डालना, मैंने कामयाब क्यों हुआ, मुझे उतार दिया उसके, जब मैं वापस आया बोला गाड़ी से हटो भाई, बीच सड़क में सबके सामने लड़ाई हो रही है और पापा गाड़ी से उतरने को राजी, फाइनली कर्नल साहब बैठ चुके हैं एंड अब चुके हैं, चला चुके हैं और उतरने का कोई चांस नहीं, अब मुझे पता कहाँ, सही बात है, शुरू में सारा टूटा फूटा रास्ता वो कर्नल साहब को देते, लास्ट टाइम मुझे याद है, लास्ट टाइम भी कर्नल साहब ने यहाँ तक चले, उसके आगे जाके एक जाम लग गया था, वहां से कर्नल साहब शिफ्ट करे, इस बार भी वैसी कुछ प्लानिंग है, बट होप करे जाम ना मिले एंड टाइम से 12:30 तक पहुंच जाए, बिकॉज मेरा भी आजकल स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो गया तो मुझे भी 12:30-1 बजे तक नींद आ जाती है, जब लास्ट टाइम आए थे तब मुझे 2-3 बजे सोने की आदत थी। हिमाचल के ट्रक वालों और बस वालों से बिल्कुल पंगे लेने चाहिए भाई, जा उनका मन करेगा घुसाएगा, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी निकलती है तो ठीक है, नहीं तो उनको कोई टेंशन नहीं। अब देखो जाम किस लिए लगता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल अच्छा वाला रास्ता चल रहा था पीछे से, एक आगे एक HR 06 वाले हरियाणा के हमारे भाई, पूरा जाएगा ये पीछे, इसको और कोई जगह देगा नहीं, अब ऐसे को ऐसे निकालनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर रिवर्स करी जा रहे हैं, फाइनली किसी ने इसको जगह दे दी।
भाई ये गाड़ी लग गई है अभी अभी किसके साथ लगी ये ढूंढना है हमें वो बेचारा बाइक वाला शिट अरे यार यही बुरा लगता है यार ऐसे टू व्हीलर्स ना ठीक है वो टू व्हीलर्स का यही टेंशन हो सर डेंजरस है भाई टू व्हीलर्स गाड़ी की कमांड वापस हमारे हाथ में आ चुकी है तो कर्नल साहब ने टोटल 3 घंटे गाड़ी चलाई है एंड एवरेज स्पीड मेंटेन हुई थी 30 और हमने करे 92 किलोमीटर अभी यहां से गुड़गांव दिखा रहा है 493 किलोमीटर एंड अराइवल टाइम थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज रास्ता थोड़ा खराब था एंड ट्रैफिक भी था यहाँ से ये बोल दे कि कर्नल साहब चला रहे थे इसलिए टाइम हाँ धीरे तो चलाई है पापा ने बोल देना धीरे तो चलाई है आपने तभी तो एवरेज स्पीड 30 दिखा रही है बट देन रास्ता खराब था इसलिए हम बहुत ज्यादा धीरे आ रहे थे और कर्नल साहब को वैसे ही गाड़ी मेरे से ज्यादा प्यारी है तो वो और धीरे चला अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग सोचे फर्स्ट स्टॉप कहाँ लें वैसे तो ऐसा भूख है नहीं किसी को हमारी प्रिया लतिका ने जो पैक कराया था वो खा चुकी है मेरा मन है कि चंडीगढ़ पहला स्टॉप पाल ढाबे में होना चाहिए बटर चिकन के लिए तो भाई हम कर चुके हैं 137 किलोमीटर 40 मिनट्स नहीं काउंट करते बिकॉज तब जब जर्मन बेकरी में थे तो टोटल 4 आवर्स में हमने करे है 130 किलोमीटर के आसपास विच इज गुड इनफ पिछली बार हमने ये सेम रूट 5 घंटे में करा था सेम जगह पे जब मैं फ्यूल स्टॉप लिए रुका था तो भाई हम कर चुके हैं टोटल 226 किलोमीटर एंड यहाँ से अभी गुड़गांव दिखा रहा है अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर एंड भाई इतनी ज्यादा स्लो स्पीड एंड रास्ता इतना गंदा इनफैक्ट 2 रास्ते थे आई थिंक एक अनंतपुर साहब से जा रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक यहाँ से जा रहा था तो गूगल मैप से छोटा रास्ता दिखा था बट देन ये था मुझे लगा ये व्यू पॉइंट अच्छा है एंड वैसे भी कर्नल साहब तब से गाड़ी चला रहे हैं एंड पापा ने ना इस बार भी सेम चीज करी जिन लोगों ने पिछला राजस्थान में ब्लॉग देखा होगा ना मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिलने आए थे तो मैं गाड़ी चला रहा था तो कर्नल साहब को गाड़ी चलानी और मैं रोक नहीं रहा था वो सब्सक्राइबर के बाद गाड़ी अजब तो मैं सब्सक्राइबर से मिलकर वापस आया पापा ने सीट बदल के फिर से गाड़ी चला रही भाई हम कर चुके हैं टोटल 294 किलोमीटर बट देन मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई एक फ्लाईओवर जा रहा था वहां से ना सीधा दिखा रहा था चंडीगढ़ और लेफ्ट को दिखा रहा था रूपनगर बट वो नीचे से जाकर राइट लेके जाना तो मैंने बाई चांस सीधा सीधा निकाल लिया अब हम चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं यार पाल ढाबा पर चिकन ही खा लो अगर 8:30 हो गए ये मैंने अपनी बहन के लिए करा है ताकि बहन बटर चिकन खा सके पिछली बार मनाली से आए थे तो तुमने मेरे को अगले 3 महीने सुनाते रहे भाई पापा वो तो फिर भी और भाई मैं बता रहा हूँ वो रास्ता ऐसा था हम परवानू पहुंच गए थे जो शिमला के पास है कसौली शिमला नहीं पहुंच गए थे मम्मी ने गेस्ट रूम नहीं बुक करा दिए थे तुम रह नहीं आए थे शिमला पहुंच गए थे शिमला के सेब खाए थे कसौली आया था धर्मपुर आया था तो भाई हम कर चुके हैं टोटल 430 किलोमीटर एंड मजा आ गया मतलब अभी दिखा रहा है 10:30 यहाँ से 3-3.5 घंटे और है हाँ जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पब्लिक सच जानना चाहती है सिर्फ सच बता पहले मेरा घर से निकलने का मन नहीं होता अब वापस जाने का मन नहीं होता वापस जाने का एक्सटेंड कर सकते पहले मम्मी कहती मनाली फिर मनाली से कहती मम्मी चलो एक दिन वहाँ रुकते हैं हमने कहा नहीं कहते चलो वहाँ से शिमला चलते हैं 2 दिन शिमला रुक सकते हैं अब शिमला क्रॉस हुआ मम्मी कहती चंडीगढ़ रुक जाते हैं तो ऐसे रुक रुक आके अब हम चलते जा रहे हैं ऑफिशियली मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ अगर आप जीटी करनाल रोड पे आते हो नीलकंठ स्टार ढाबा की चाय सबसे अच्छी मतलब भाई लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को पता है इस रूट पे मैं कितनी ज्यादा बारी आया हूँ बट देन इसकी चाय कोई कंपैरिजन नहीं है अगर ये पीते हो साथ के साथ मीठे का शौक है हमारे जैसे भी पापा भी गए जलेबी लेने ये क्या कर रहे हो कर्नल साहब कह रहे हैं बाइक तुम लेके नहीं दे रहे इसी से अपने शौक पूरे कर ले कर्नल साहब योर न्यू बीएमडब्ल्यू बाइक कर्नल साहब की बीएमडब्ल्यू बाइक हमें मिल चुकी है कैसा लग रहा है आपको मम्मी पापा ने बीएमडब्ल्यू खरीद ली ये ऐसी बीएमडब्ल्यू है 3 पहिए पे चलती है मम्मी कहती तुम बाप बेटा ये ले लो ले पहुंच ही जाओगे साथ में एक चीज बता चाहूंगा आई थिंक आप लोग समझ गए सेटअप से तो ऐसा कुछ ये वाला टायर फ्लैट हुआ है नीलकंठ से खाना खा के निकले ही थे एंड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हुए होंगे भाई अचानक से गाड़ी के टायर से आवाज आई फट गाड़ी में एरर आना शुरू हो गया कहा कि आपका सर टायर बर्स्ट हो गया है मैंने कहा 10 किलोमीटर चलाने में टायर बर्स्ट हो गया तो कहते सर हो जाता है कभी कभी क्योंकि हमें भी कुछ आइडिया नहीं है क्यों हुआ है पापा भी यही कहते हैं मर्सिडीज वाले कह रहे हैं वो चेक करेंगे एंड देन डिटेल में इसको ढंग से रिवर्ट करेंगे बट देन जैसे मैंने रोड साइड असिस्टेंस का बताया था तो यहाँ से गाड़ी अभी टो होगी एक साथ में कंपनी टैक्सी भिजवा दी है तो टोटल 40-45 मिनट्स लगे एंड साथ के साथ बेस्ट पार्ट ये भी हुआ कि मेरा एक सब्सक्राइबर मिला था उसने भी काफी हेल्प करी सिंस मर्सिडीज ऑलरेडी गाड़ी वगैरह भिजवा चुके थे तो ऐसे हेल्प की जरूरत पड़ी नहीं बट देन भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच अब जल्दी से लोड करते हैं जो हमें 2 घंटे में पहुंचता था अभी 12:30 हो रहे हैं तो घर पहुंचते पहुंचते 3-3.5 हो जाएंगे तो आज मुझे ना 2 व्लॉग्स की एंडिंग करनी पड़ेगी ये आपको समझ आ जाएगा अगले कुछ आने वाले व्लॉग्स में नहीं तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो आपको पता चलेगा बट देन भाई जिस व्लॉग की कंटिन्यूशन में ये व्लॉग हमने शूट करा है मैं बताना चाहूंगा रात को आते आते बहुत खराब हालत आ गई थी दो सब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा था मर्सिडीज ने क्रेन भिजवा दी 15 मिनट में बंदा भिजवा दी 30 मिनट्स में देन उसके बाद टैक्सी भी भिजवा दी अनदर 30 मिनट्स में तो 1 घंटे में सब कुछ रैप अप होकर हम निकल गए थे बट 1 घंटे का डिले थोड़ा सा भारी पड़ा बट ठीक है 3 बजे पहुंचे एंड अगले दिन हमारा एक खास यार आ गया जो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा मैंने आपको अगले व्लॉग की कुछ समरी दे रहा हूँ कि पहले क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है एंड
सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि उस ट्रिप की प्लानिंग हमारी शुरू हो जाएगी। मैंने जो आपको पहले बताया था ना, जो अधूरा ट्रिप रह गया वो इस बार हम पूरा करेंगे। वो क्या है कमेंट करके बता दो। उससे पहले करना चाहेंगे आज का व्लॉग एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। फिर डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, उससे आप लोग पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव। आज नेक्स्ट व्लॉग।